दोस्तों ये रहा हमारे पास Realme C53 मोबाइल और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं अगर इस मोबाइल में आप प्ले स्टोर से कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जैसे ही इंस्टॉल पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर पेंडिंग लिखा रहता है और डाउनलोडिंग लाइन स्टार्ट नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए सिंपल सा एक तरीका फॉलो करना है आपको। बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद जहां पर दोस्तों आपको प्ले स्टोर दिखे, प्ले स्टोर पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए स्टोरेज कैच का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर देखिए क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बैक आपको आ जाना है। और यहां पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बस ये सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब फ्रेंड्स आप सभी लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर दोस्तों आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद दोस्तों जिस ऐप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो जो है ऐप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंस्टाग्राम को ही डाउनलोड करूंगा, तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों मैंने जो है लॉन्ग प्रेस किया। उसके बाद यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल के ऑप्शन पर मैंने दोस्तों यहां से देखिए क्लिक कर देता हूं। और यहां पर दोस्तों देखिए क्लिक किया और यहां पर पेंडिंग लिखा हुआ है। अभी दोस्तों देखना आपके सामने लाइव प्रूफ दोस्तों ये जो है इंस्टाग्राम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।